नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी मिठाई जो सदियों से भारतीय पकवानों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। हलवा चाहे त्योहार हो, पूजा हो या कोई खास मौका, हलवा हर मौके पर खाने की मेज की शान बढ़ाता है। इस रेसिपी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप साधारण सामग्री से हलवा बना सकते हैं जो न सिर्फ खाने में लाजवाब होगा बल्कि बनाने में भी बहुत आसान। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास हलवे की रेसिपी। सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे एक चम्मच घी। सूजी का हलवा बनाने के लिए घी में डालेंगे 200 ml सूजी। ये हमारी आधी कप सूजी है। अब सूजी को गोल्डन होने तक भून लेंगे। इसे बराबर चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे, नहीं तो सूजी जलने लगेगी। ये देखिए दोस्तों, सूजी का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे। ये देखिए सूजी को हमने एक मिनट तक भून लिया है और इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। दूध डालने से हलवे का स्वाद और भी अच्छा आता है। मैंने 500 ml दूध लिया है आधी कप सूजी में और सारे दूध को इसमें डाल देंगे। इसे बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। सूजी को लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए सूजी हल्की गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए सूजी हमारी काफी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। थोड़े से इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऑप्शन में है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और इसे मिला देंगे। तीन से चार मैंने बादाम डाले हैं। अब इसमें थोड़े से काजू डाल देंगे, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और साथ में डाल देंगे थोड़े से किशमिश और सबको एक साथ मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा हलवा हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर जरूर करिएगा। और पसंद आए तो इसे कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब हलवा को हम बाउल में सर्व कर लेंगे। अब हलवे को हम काजू पिस्ता बादाम से गार्निश कर देंगे।